फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पत्ता गोभी झटपट में कैसे बनाने हैं। तो हम कुकर में बनाएंगे पत्ता गोभी आज। तो पहले मैंने तेल ले लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम आलू डाल देंगे। उसके बाद हम पत्ता गोभी डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप घर पे कभी भी बना सकते हैं पत्ता गोभी की ये वाली रेसिपी। कुकर में बहुत जल्दी से बन जाती है, कढ़ाई में हमको फिर भी टाइम लगता है थोड़ा। पत्ता गोभी डालने के बाद हम मटर डाल देंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप सिर्फ आलू और पत्ता गोभी का भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से घुमा लेंगे। इसको अच्छे से घुमाने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, धनिया डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी है चॉप करके। इसको अच्छे से घुमा लिया है। पत्ता गोभी और टमाटर दोनों इसमें हैं और दोनों ही पानी थोड़ा छोड़ते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ सेफ साइड के लिए ताकि सब्ज़ी जल ना जाए। उसके बाद हम ढक्कन लगा लेंगे इसमें। हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैंने इसमें 4-5 विसल लगाई थी, 4-5 विसल ब्लो की थी। हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये कोरिएंडर लीव्स हमने डाल दी है। कोरिएंडर लीव्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे। हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ये देखिए, मैं सब्ज़ी दिखाती हूँ आपको, अच्छी बनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती, कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है और 10 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए।